बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। हाज़िर ख़िदमत हूँ कराची के हवाले से अहम तरीन मौसमी रिपोर्ट, जिसमें शामिल है बारिश की खुशखबरियाँ और कराची के हालात। आगे बढ़ने से पहले हमेशा की तरह दरख्वास्त है कि चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी का बटन दबा देंगे, ऑल नोटिफिकेशन को सेलेक्ट कर लेंगे तो मौसम की ताज़ा तरीन अपडेट इसी तरह घर बैठे आपके मोबाइल फ़ोन पर मिलना शुरू हो जाएगी। मोहतरम नाज़रीन, गुज़िश्ता साल 2020 का मानसून कराची वालों की याददाश्त पर नक्श है, और आपने देखा होगा कि जब अगस्त में मानसून अपने जोबन पर आया और शदीद किस्म की बारिशें हुईं तो निज़ाम ज़िंदगी मुअत्तल हुआ और काफ़ी जानी और माली नुकसानात भी हुए। शहर कराची में कश्तियां चल गईं और कराची के लिए रेंजर्स की मदद लेनी पड़ गई। सुरजानी नया नाज़माबाद मुकम्मल तौर पर डूब गया और कराची के पोश इलाके जिनमें डिफेंस और क्लिफ्टन शामिल था, ये पानी पानी हो गए। इस साल माहिरीन का कहना है कि मानसून पिछले साल की निस्बत ज़्यादा ताकतवर होने जा रहा है। महकमा मौसमियात ने इदारों को अलर्ट भी कर दिया है और उम्मीद है कि कराची वालों पर अल्लाह की रहमत प्री मानसून की सूरत में 6 से 10 जून तक बरसना शुरू होगी इंशाल्लाह, और जून के आखिरी दिनों और जुलाई के शुरू में इसमें शिद्दत आ जाएगी। अब हमारी भी जिम्मेदारी बनती है बहसियत शहरी कि हम अपने इंतजाम को मुकम्मल रखें ताकि किसी किस्म की मुमकिन हादसाती सूरत हाल, करंट लगने या डूबने के खदशात कम से कम हो जाएं। तो अपना अपने आसपास के लोगों का इस दौरान बहुत ज़्यादा ख्याल रखिए। अल्लाह ताला हम सबको आफियत के मौसम अता करे। मिलते हैं अगली अपडेट में। अल्लाह हाफिज़ व नासिर। पाकिस्तान जिंदाबाद।